दिस इज़ डॉक्टर भरत अरोरा। आई एम अ वर्किंग पीडियाट्रिशियन एट आस्था हेल्थ केयर। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा मदर्स के माइंड में रहता है कि मैं कुछ खाऊंगी तो मेरे को ऐसा प्रॉब्लम होगा, मेरे बेबी को ऐसा प्रॉब्लम होगा। मैंने तीखा खा लिया तो मेरे बेबी को लूज मोशंस लग जाएंगे। अगर मैंने कुछ खट्टा खा लिया तो मेरे बेबी को स्नीजिंग होगी, छींके होंगे या फिर बुखार आ जाएगा, क्योंकि मैं उसको दूध पिला रही हूँ, मेरे खाने से उसको इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये सही चीज़ें हैं या गलत हैं, हम इस सब टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। इस सब चीज़ों का एक मैकेनिज्म होता है, जो भी आप चीज़ खा रहे हैं वो पेट के थ्रू होते हुए मेटाबोलाइज होंगी, उनको पहले डाइजेशन होगा, वो जूसेस से डाइजेस्ट की जाती हैं और उसके बाद वो अब्जॉर्ब होती हैं, और उस अब्जॉर्प्शन के बाद आपका मिल्क फॉर्मेशन होता है। आप खाना खाएंगे, दूध पिएंगे, उसी से आपका मिल्क फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं होता कि हम मिर्ची खाएंगे तो वो मिर्ची हमारे दूध में प्रोड्यूस होके हमारे बेबीज को लूज मोशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप खट्टा चीज़ खाएंगे तो वो डायरेक्टली आपके मिल्क में खट्टी चीज़ होके और दूध खट्टा होके बेबी के पेट में जाएगा तो बेबी को ठंड लग जाएगी। ये एक टोटली मिथ है, इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको एक पौष्टिक आहार डेली खाना है, रोज़ खाना है, दूध अच्छे से पीना है ताकि हमारा मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो। दूध की बात यहाँ आती है कि अगर हम दूध पिएंगे तो हमारा दूध प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एक ये बात सही है कि दूध पीने से प्रोडक्शन बढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूध नहीं पीने से दूध आएगा ही नहीं। ये बिल्कुल एक गलत है, गलत चीज़ है, मिथ है, जो हमें बिल्कुल बिलीव नहीं रखना चाहिए। क्या गायें दूध पीती है? क्या गायें तो दूध नहीं पीती, लेकिन वो अपने बछड़े को दूध तो पिलाती है। हमारे डेली वेज वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, आसपास के जितने लोग हैं उनको शायद एक टाइम का दूध भी नहीं मिलता होगा, लेकिन वो फिर भी अपने बेबीज़ को दूध पिलाते हैं। वो एक पौष्टिक आहार डेली अगर खिलाएंगे, खाएंगे, तो उसकी वजह से दूध प्रोडक्शन नॉर्मल हमारा रहता है। अगर वो कुछ खाएंगे ही नहीं तो दूध प्रोडक्शन नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे इन्फेंटाइल कोलिक की। ये एक ऐसी चीज़ है कि कई बार मदर्स के खाने से बेबीज़ को फूड एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से पेट फूलना, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, बेबी का बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी नोटिस की जाती हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कुछ खाने से, जैसे हमने खुद काउ मिल्क लिया, सी फूड लिया, एग्स लिया, या फिर कुछ ग्राउंडनट, काजू, ये सब लिया, तो उसकी वजह से, उसके खाने की वजह से कई बार बेबीज़ को प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग, पेट में दर्द और क्रैंकीनेस बढ़ जाती है। ये सब कारण होता है फूड एलर्जी का। आपके खाने से कई बार ऐसे एलर्जेंस आपके मिल्क में आ जाते हैं जिसकी वजह से बेबी एक्लेमेटाइज नहीं कर पाता उन सब चीज़ों से, और उसको कोलिक में तब्दील हो जाता है, पेट का दर्द इन्फेंटाइल कोलिक में तब्दील हो जाता है। इसकी वजह से बेबी बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहता है, दूध भी नहीं पीता, दूध छोड़ देता है, बार बार उसको पेट में दर्द होता है, जिसकी वजह से आपको पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करना पड़ता है और दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब चीज़ें अवॉइड कैसे की जा सकती हैं? यू हैव टू नोट डाउन व्हाट ऑल यू हैव ईटन इन द लास्ट वन वीक, और उसका एक चार्टिंग बनाइए। एक एक करके उस फूड को हम अवॉइड करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ 2 वीक्स। जिस चीज़ को अवॉइड करके आपके बेबी को कोलिक नहीं हो रहा या फिर पेट दर्द नहीं हो रहा, यू हैव टू अवॉइड दैट थिंग फॉर 6 months to 1 year, such that your baby is not getting allergic again to that particular food material. ये food material ही होती हैं जो हमारे babies को colic कर देती हैं, that is because क्योंकि हमारे milk में कुछ allergic particles उनकी वजह से आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर एक को होगा, ऐसा भी नहीं है कि होगा तो colic में हर एक baby को तब्दील हो जाएगा, लेकिन you have to see whether your baby is allergic to a particular food item that you have taken or not. इसको हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर बेबी को कोलिक हो रहा है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 3 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है उसको पेट में दर्द रेगुलरली फॉर 3 times in a week, यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिशियन फॉर दैट थिंग। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ समझा पाया हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, या फिर जो मिथ्स एसोसिएटेड विद इट है, तो मैं ढंग से समझा पाया हूँ। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज आती हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए या नीचे लिखे गए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए। मैं जल्द से जल्द इन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।